तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ बहुत ही यूज़फुल कुछ ऐसी ट्रिक्स शेयर करूंगी जो कि हम सभी के बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली हैं। इन ट्रिक्स को अगर आप फॉलो करते हो तो अपने काम को आसान कर सकते हो और फालतू पड़ी चीज़ों को भी आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। बहुत ही यूज़फुल ट्रिक्स हैं, एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। कैसे करना है, क्या करना है, चलिए आगे की वीडियो देख लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशा। आज मैं आप सबके साथ एक छोटी सी यूज़फुल ट्रिक शेयर कर रही हूं। तो जब हम ढाबे या होटल से इस तरह दाल मंगाते हैं तो इस तरीके से हमें बॉक्स मिलता है जिसे हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। तो सबसे पहली बात कि आपको आज के बाद इसे फेंकना नहीं है, इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो यूज़ कैसे करना है चलिए देख लेते हैं। हमें इस तरीके से कील ले लेना है, बड़े साइज़ का कील लेना है और कील को हमें गैस में गर्म कर लेना है और इस तरीके से हमें होल्स करते जाना है। बैक साइड में बॉक्स को उल्टा रखेंगे और बैक साइड में इस तरीके से हम होल्स कर लेंगे और आप देख सकते हो ये परफेक्ट झारा बन करके तैयार हो चुका है। अब आप इस बॉक्स से परफेक्टली बूंदी तैयार कर सकते हो। तो बूंदी कैसे बनानी है चलिए ये भी देख लेते हैं। कढ़ाई ले लेंगे, कढ़ाई में हम ऑयल डाल देते हैं, ऑयल को गर्म होने देंगे और गरम ऑयल में हम इस तरीके से बूंदी बनाकर तैयार करेंगे। तो बूंदी का बैटर मैंने तैयार करके रख रखा है। तो इस तरीके से हम बैटर को बॉक्स में ट्रांसफ़र करेंगे और परफेक्टली बूंदी बना करके तैयार कर सकते हैं। तो हुई ना बहुत ही यूज़फुल ट्रिक्स। एक बार आप इस तरीके से झारा बना करके रख लीजिए और जब मर्जी हो तब आप इस तरीके से बूंदी बना सकते हो। मीठी बूंदी, रायते के लिए बूंदी आप घर में ही परफेक्टली तैयार कर सकते हो, कोई हमें झारा नहीं चाहिए। तो आपको मेरी वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर। घर में अक्सर क्या होता है कि हम लोग दाल, शुगर, चावल ये सब चीज़ें मंथली जब स्टोर करते हैं बॉक्स में तो वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अभी बरसात का टाइम चल रहा है तो हमें इन सब चीज़ों को कैसे बचाना है चींटी कीड़े वगैरह से, तो आज की जो मेरी वीडियो है इसी सब को लेके है। तो सबसे पहले मैंने बॉक्स खोला है शुगर का, तो आप देख सकते हो ढेर सारी शुगर है, इसे मैंने एक बॉक्स में स्टोर करके रखा है जैसे कि मैं रखती ही हूँ। तो ये जो ग्लास है छोटी बच्चों की है, बच्चे बड़े हो गए हैं अब इसे हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। तो आप इस तरीके से जो भी इधर उधर घूमता रहता है बर्तन उसे आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो इसे निकालने के लिए। इसी बॉक्स में डाल करके रख दीजिए और आराम से इससे निकालिए। तो सबसे पहले क्या करना है कि इस तरीके से हम कुछ लौंग ले लेंगे। लौंग को हम शुगर में अगर डाल देते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा बरसात के टाइम पे चींटियाँ आ जाती हैं शुगर वगैरह में, शुगर में। तो इस तरीके से अगर हम लौंग डाल देंगे ना तो शुगर में चींटी बिल्कुल भी नहीं आएंगी। लौंग की जो महक है ना इससे चींटियाँ दूर रहेंगी शुगर से। और इस तरीके से हम अंदर कर देते हैं और बस ये जो गिलास है इसको डाल देंगे और इस बॉक्स को बंद करके रख देते हैं। गीला कभी भी बर्तन हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। और अब हम ले लेते हैं चावल। तो ये चावल का बॉक्स है, आप देख सकते हो ये जो मैंने बाउल यूज़ किया है चावल निकालने के लिए मैं इसी में डाल के रखती हूँ, इसी से हम निकालते हैं। क्योंकि कभी कभी होता है कि हम गीली कटोरी चावल में डाल देते हैं और पानी चला जाता है उसकी वजह से भी कीड़े हो जाते हैं, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इसको हम वेस्ट समझ के हमेशा फेंक देते हैं। जब भी हम खाने वगैरह लाते हैं तो इस तरीके से बॉक्स मिलते हैं इसे हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, ये कभी नहीं करना है। इसे धुलिए, सुखाइए, उसके बाद इस तरीके से यूज़ करिए। तो चावल में हम क्या करेंगे, रेड चिली डाल देंगे, इस तरीके से सूखी हुई जो लाल मिर्च होती है उसे डाल देते हैं। इससे भी हमारे चावल में आप कितने भी टाइम तक इसे स्टोर करके रखेंगे बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। बहुत सारे लोग तो बोरियों में चावल लाते हैं और उसे स्टोर करते हैं, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। और वापस से हम इस बॉक्स को डाल देंगे, बाउल को, और बॉक्स को बंद कर देते हैं। और आप देख सकते हो बहुत ही परफेक्ट ट्रिक है, एक बार ज़रूर आप इस तरीके से यूज़ करिएगा। तो ये हमारी दाल है जो कि बहुत ज़्यादा है तो ये ख़राब ना हो जाए, इसे कैसे इजीली हमें स्टोर करना है
ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। अगर ख़राब हो गई तो पैसे भी बर्बाद होते हैं और बहुत बुरा लगता है कि हमने थोड़ा सा ध्यान दिया होता तो हमारा ये सामान बर्बाद नहीं होता। तो इस तरीके से हम दाल में ये सूखी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, और ये जो सिनेमन होती है जिसे हम दालचीनी भी बोलते हैं, तो इस तरीके से हम इसे भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसकी जो महक होती है ना बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। इससे कीड़े वगैरह हमारे दाल में नहीं आएंगे। इससे चावल में भी डाल सकते हो, या सिर्फ आप सिनेमन डाल के भी रख सकते हो, या दोनों चीज़ें भी डाल सकते हो, जैसा आप लाइक करें कर सकते हो। लेकिन आप इसे अप्लाई ज़रूर करें इस तरीके से, जो ज़्यादा राशन वगैरह हम लोग ला के स्टोर करते हैं उसमें ज़रूर करना चाहिए। तो दाल है, चावल है, और शुगर, शुगर में तो हमें लौंग ही डालना है, वैसे हम कुछ नहीं डाल सकते हैं। तो अभी मैंने सिर्फ यही बॉक्सेस दिखाए हैं, क्योंकि मैं अभी वीडियो बना रही थी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो इसी तरीके से मैं सारे ही दाल वगैरह को स्टोर करती हूँ, और ये सालों साल बिल्कुल भी इस तरीके से ख़राब नहीं होते हैं। तो आप भी इस ट्रिक को एक बार ज़रूर यूज़ करिएगा। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि हमें थोड़ा इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर ख़राब होते हैं तो पैसे भी बर्बाद होते हैं और सामान भी बर्बाद होता है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।